हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। तो मैं फिर से लेके आया हूँ एक न्यू मेकअप लुक। तो चलो जल्दी जल्दी मेकअप कर लेते हैं, ठीक है। और मैं हूँ आप लोगों का सबसे फेवरेट क्रॉस डिसर अलक सुमन, ठीक है। तो मेरा तो बहुत सारा नाम है, जो जिस नाम पे जानते हो उस नाम से मुझे बोल सकते हो, ठीक है। तो आप लोग देख ही रहे हो कि मैं हर हफ्ते में एक न्यू लुक क्रिएट करने के लिए कोशिश करती हूँ, ठीक है, हर हफ्ते। तो दरअसल ये होता है ना, मतलब ड्रेस प्रॉब्लम होता है, तो मैं शायद आप लोगों के मनपसंद के हिसाब से ड्रेसिंग नहीं कर पाती हूँ, आप लोग जैसा लुक चाहते हो वैसा क्रिएट नहीं कर पाती हूँ, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग मुझे बार बार बोलते हैं कि नाइटी में वीडियो बनाओ, नाइट ड्रेस पे वीडियो बनाओ। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है। और हाँ, ज़रूर देखो, आप लोग इतना दिन तक मुझे सपोर्ट किए हो और मैं आशा रखती हूँ कि आप लोग आगे भी जाके मुझे सपोर्ट करोगे। तो इस तरह मेरे को सपोर्ट करते रहो और मेरा वीडियो देखते रहो, ठीक है। और ये वाला वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखो, मज़ा आएगा। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वही सबसे पहले तो मैं मेकअप कर लिया, फेस का मेकअप जैसे जैसे होता है, फाउंडेशन, उसके बाद कॉन्सीलर, कॉन्टूरिंग, हाइलाइटर पार्ट, पाउडर, सब कुछ कर लिया। अभी हम लगा रहे हैं कॉन्टूरिंग और उसके बाद लगाएंगे ब्लशन, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो, देखो दिन दिन तो मैं मोटी हो जा रही हूँ, पता नहीं कि क्या करूँ, क्यों इतना मोटी हो जा रही हूँ, यार भगवान कुछ तो करो। ये रहा ब्लशर, ठीक है, ब्लशन बोलते हैं, ब्लशर बोलते हैं, जिसको जो जो बोलना है बोलते हैं। उसके बाद हाइलाइटर, जो ये शाइन करता है तो इसको बोलते हैं हाइलाइटर, ठीक है। आज हम पहनेंगे ब्लू कलर का एक ड्रेस, नाइट ड्रेस। तो इस हमने सोचा कि चलो आज हम उस हिसाब से आई मेकअप करें, क्योंकि मैं तो बहुत मतलब आई मेकअप वैसे नॉर्मली करती हूँ, क्योंकि आप लोग देखते हो कि मेरा आँखें बहुत ही ज़्यादा छोटा छोटा है। तो ये आँखों पे आई मेकअप जितना भी करो, जितना भी मतलब डिज़ाइन के करो, नहीं होता है आई मेकअप। जब आँखें खोलती हूँ सब आई मेकअप ढक जाता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। और छोटा छोटा आईज पे आई मेकअप क्या ही करे, ठीक है। अगर मेरा आईब्रो और आई के बीच अगर गैप रहता तो बहुत अच्छा अच्छा आई मेकअप कर पाता, पर नहीं होता है। तो चलो ठीक है, ब्लू आई मेकअप कर लिया। अभी हम अच्छे से आईब्रोज को ड्रॉ कर लिया और आँखों के नीचे अभी लगा रहे हैं काजल। मैं यहाँ पे आई शेडो प्लेस से आई शेडो, ब्लैक आई शेडो लेके काजल के तर पे लगा रही हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हो कि आप कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करते हो, कहाँ से लेती हो, वे वो। देखो मैं जितना सारा प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ ना, सब प्रोफेशनल प्रोडक्ट है, और मैं ये सब ऑनलाइन से लेती हूँ। मैं मतलब मार्केट में, हम लोग तो गांव में रहते हैं तो इधर ये सब प्रोडक्ट मार्केट पे नहीं मिलती, तो मैं ये सब प्रोडक्ट ऑनलाइन ही खरीदती हूँ, ठीक है। तो आप लोग अगर ऑनलाइन लेके करो तो अच्छा होता है, और दुकान पे जाके वो सस्ता प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता है। और अगर आप बड़े बड़े शहर पे रहते हो, बड़े बड़े दुकानों पे जाके ख़रीदते हो, ब्रांड मतलब जिस कंपनी का प्रोडक्ट हो उस कंपनी का जो होता है ना शॉप, वहाँ पे अगर वहाँ से अगर ख़रीदते हो तो अच्छा होता है। ओरिजिनल प्रोडक्ट अगर लेके ख़रीदते हो तो अच्छा होता है। तो देखो मैंने आई मेकअप भी कर लिया, आईलाइनर भी लगा लिया, अभी हम लगा रहे हैं लिपस्टिक। देखो कितना अच्छा सा मैंने थोड़ा सा मतलब पिंकिश पिंकिश टोन पे लिपस्टिक लगा। अभी हम लगा रहे हैं मस्कारा, मस्कारा के बाद अभी हम लगा रहे हैं आई लैशेस। देखो मेरा आँख इतना छोटा है कि जब तक ना मैं आई लैशेस पहनूँ तब तक मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मतलब आई लैशेस पहनने के बाद थोड़ा बहुत मेरा शक्ल देखने के लायक होता है, वरना भाई कौन देखेगा मेरे शक्ल को। तो अभी ये रहा बिंदी, बिंदी पहन लिया। अभी हम लगा रहे हैं नोज रिंग, ठीक है। मैं आज नीचे पहन रही हूँ नोज रिंग, आप लोग देख सकते हो, वाओ।
तो थोड़ा सा उसको फिनिशिंग दे देते हैं। तो ब्लू मैंने आइस किया, ब्लू मैंने बिंदी लगाया, और फिर अभी कर लेंगे ड्रेस चेंज। तो पहले मैंने ये जो ब्रा होता है इसको पहन लिया, और अभी हम इसके अंदर डालेंगे सिलिकॉन। तो दोस्तों क्या ही बोलूँ, दुख की बात, जो मेरा सिलिकॉन है वो टूट फूट के मतलब ख़राब हो गया। देख सकते हो कैसे रहते हैं, इतना ज़्यादा एथी हो गया है कि क्या ही बोले, सिलिकॉन टूट गया। बहुत ही मतलब अच्छा नहीं है। और मुझे ना मालूम नहीं पड़ रहा था कि कैमरा कहाँ था, मैं कहाँ था, तो सही से शायद आप लोग दिखा नहीं। तो कोई बात नहीं, चलो ये रहा, ये दूसरा वाला देखो। दूसरा वाला मतलब क्या ही बोले, कितना गजब है भाई, देखो कैसे टूट गया है इसको। मतलब आप लोग अगर ऐसा सिलिकॉन के खरीदना चाहते हो तो मैं बोलूँगी कि भाई सावधानी से खरीदो, क्योंकि ये सब चीज़ें कुछ दिनों बाद टूट जाता है, तो मतलब अच्छा नहीं रहता है। तो और अगर आप लोग बॉडी सूट जो होता है सिलिकॉन का वो खरीद सकते हो तो अच्छा होता है। तो मेरे पास तो इतना ज़्यादा है ही नहीं कि मैं सिलिकॉन बॉडी सूट खरीद पाऊँ। अगर कोई, हाँ अगर कोई मुझे गिफ्ट कर सकता है तो ज़रूर कर सकते हो। तो अभी हम पहन लेंगे एक एक करके नाइट ड्रेस, ठीक है। ये नाइट ड्रेस का 3 पार्ट है। तो सबसे पहले ये जो एक टॉप जैसा है और एक मीडी जैसा है वो पहन लेते हैं, ठीक है। वाह देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये कलर भी बहुत अच्छा है। और मुझे आज से मतलब अभी कैमरा थोड़ा सा दूरी पे, ये नीचे वाला का बाद में पहन लूँगी। और अभी हम पहन ले रहे हैं दूसरा पार्ट, ठीक है। 3 पार्ट होता है, एक पार्ट गया, अभी एक पार्ट ये एक वन पीस जैसा होता है। तो ये अभी हम पहन रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। बस वाह, ये कलर सच में अच्छा है और मेरे पे अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं डार्क कलर हूँ ना, तो इसलिए। तो अभी हम तीसरा पार्ट जो होता है, जो ऐसे ऊपर से पहनता है, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे भी नहीं मालूम भाई, ड्रेस पहनने के लिए होता है पहन लेते हैं, अब क्या नाम है मुझे ये सब मालूम नहीं। तो चलो हाउस कोट के जैसा होता है वो, ठीक है। तो चलो पहन लिया, अभी हम पहनने ये नेकलेस, ठीक है, देख सकते हो कितना अच्छा है। ओके अभी हम सेट करेंगे हमारे हेयर, ठीक है। देखो आप लोग तो देखते ही हो कि मेरा बाल कैसे रहता है, मतलब पागल के जैसा, तो अच्छा नहीं लगता ना। तो देखो ना स्ट्रेट है ना कर्ल है, कुछ एक अजीब सा जैसा है, तो इसलिए मैं मेरे ओरिजिनल बाल को हाइड कर रही हूँ। ये जो है हेयर मास्क, इसको क्या बोलता है पता नहीं, जो इससे हेयर मास्क लगा के बाल को, ओरिजिनल बाल को छुपा लेते हैं। और फिर ये जो हेयर विग है ये पहन लेंगे, ठीक है। तो इस में से ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि खुद का है बालों बालों पे मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों, ना अच्छा दिखती हूँ ना और अच्छा फीलिंग्स होती है, ठीक है। तो ये देखो मैंने लगा लिया हेयर विग। अभी हम लगा लेंगे, पहन लेंगे इयररिंग्स, आप लोग देख सकते हो। मैं ये मतलब आज सिल्वर कलर के ऊपर ही कोशिश करूँगी सब चीज़ें रखने के लिए। तो सिल्वर कलर की मैंने नेकलेस पहना और सिल्वर कलर का मैचिंग करके मैंने इयररिंग्स पहन रही हूँ। कितना अच्छा है ना ये वाला इयररिंग्स, आप लोग ज़रूर मुझे बोलना कि कैसा लगा और कहाँ कहाँ पर मेरा कमी रह गया, वो भी मुझे ज़रूर बोलना, ठीक है। और अभी हम फटाफट से पहन लेंगे ये सिल्वर कलर का बैंगल्स, ये चूड़िया, देखो माय गॉड अच्छे से ही नहीं दिख रहा है, चलो बाद में देख लेना। और थोड़ा सा मतलब छाती पे मेकअप कर लेंगे, क्योंकि फेस और छाती का कलर एक जैसा होना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए मेकअप किस ले रहे हैं, ठीक है। वाओ तो चलो देख सकते हो मेरा मेकअप ड्रेसअप सब कुछ डन। तो कैसी लग रही हूँ, ओह एक सेकेंड, मैं अभी लगा रहती हूँ सिंदूर, क्योंकि मैं आज मतलब शादीशुदा औरत बनने वाली हूँ, इसलिए। तो देखो सिंदूर मैंने लगा लिया,
और वाओ, हेयर विक पे नहीं लगाएंगे क्योंकि हेयर विक खराब हो जाता है ना, और फिर हर हेयर सिंदूर वहाँ पे लगी रहेगी, फिर हर वीडियो पे जब हेयर विक पहनेंगे तो सिंदूर दिखाएगी तो कैसे लगेगा। और ये रहा हमारा नीचे वाला पोर्शन, देखो हमने अभी नीचे वाला पोर्शन पहन ले रहे हैं। थोड़ा मुझे नहीं मालूम पड़ा कि कैमरा के वजह से कि दिख रहा है कि नहीं, जो भी हो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना और देख लेना, ठीक है। With you in the morning, I lit it up to feel more alive. I want those eyes to never be lonely. Let's make this night the time of our lives. I wanna rush with you in the morning, I lit it up to feel more alive. I want those eyes to never be lonely. Let's make this night the time of our lives. Let's make this night.
इतना ही, मिलेंगे अगले एक न्यू वीडियो में। और ये वाला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, और हाँ, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है, और कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो चलो बाय।